जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनको पता है हम आपके लिए मछली पालन के संबंधित कुछ यूनिक जानकारियाँ देने का प्रयास करते हैं प्रत्येक वीडियो में, और यह भी प्रयास करते हैं कि प्रत्येक दिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से आपके मोबाइल पर एक नया टॉपिक पर जानकारियाँ देते रहें। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। पुराने लोगों को पता है मेरे बारे में, हमारा कोलकाता नेहाटी में मछली के बच्चे का काम होता है। हमारा बिहार हाजीपुर चूँकि हमारा निवास स्थान है, यहीं पे हमारा मेडिसिन का काम होता है, और कोलकाता में हमारा एक नया प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और सावन महीने से काम आरंभ भी हो चुका है। ये आम के पौधे, केले के पौधे या फिर जामुन के पौधे या लीची अमरूद किसी भी चीज़ के पौधे, आपको भी अपने तालाब के चारों मेर पर, चारों कोने के मेर पर आपको एक एक पौधे कम से कम लगाने चाहिए। हम आम के पौधे साधारण जो आपके यहाँ मिल रहा होगा उससे अलग, हम विदेशी आम का पौधा जिसमें मियाँ जाकी आम आता है, एक ऐसा आम, दूसरा जो शुगर फ्री है। आपको पता है शुगर का मरीज दिन ब दिन कैसे अपने इंडिया में बढ़ते जा रहा है, और उनको आम की इच्छा खाने की होती है, आम का सीजन भी अभी सावन में चल रहा है, परंतु डॉक्टर उनको मना करता है। तो वैसे लोगों के लिए शुगर फ्री आम का भी इजाद हो गया है, ये सारी विदेशी आम है। तीसरा आम, ऐसे तो अनेकों वेरायटी की आम अपने पास उपलब्ध है विदेशी, तीसरा आम जो साल में 3 बार फल देगी, ऐसा जामुन जो 50 ग्राम साइज का एक जामुन मिलेगा आपको। अगर शुगर का पेशेंट है उनको जामुन खाना चाहिए, और मछली के बच्चे का तो काम होता ही है, मेडिसिन का काम होता ही है अपना। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके आम के पौधे मंगवा सकते हैं, जामुन के पौधे, केले के पौधे, फिर मछली का बच्चा या फिर मेडिसिन, कुछ भी मंगवा सकते हैं आप। इसी दरमियान हम आपको बताना चाहेंगे कि कल हमारा बच्चा गया है रक्सौल, बिहार के रहने वाले अविनाश कुमार जी और अजीत जी, पंगास 1000 लाइन का पंगास इनको भेजा जा रहा है। अब्बास अली मुगलसराय के रहने वाले, इनको भी बच्चा भेज दिया गया है। विशंभर लाल गोरखपुर के रहने वाले, कल इनको बच्चा रिसीव हो गया। विशाल कुमार मुगलसराय, इनका सिंघी का ऑर्डर था, आज इनका बच्चा जा रहा है। संजय प्रसाद हजारीबाग झारखंड के रहने वाले, इनको भी स्पॉन हमने कल भेज दिया। मनोज कुमार सुगौली के रहने वाले, ब्लैक कार्प का ऑर्डर था 500, इनका चला गया। राजकुमार सिंह डाल्टेनगंज झारखंड के रहने वाले, अनेकों ऐसे नाम हैं जिनका बच्चा हम कल भी भेजे हैं, आज भी अनेकों जगह मेरा बच्चा जा रहा है। मंगवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे, हम आपके लिए ट्रेन से आपके नज़दीक के रेलवे जंक्शन तक भेज देंगे। रह गई बात मेडिसिन और आम के पौधों का या किसी भी चीज़ के पौधों का, मेडिसिन हम पार्सल के माध्यम से इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से आपके घर तक भेज देंगे, आम के पौधे को भी हम कुरियर के माध्यम से आपके घर तक भेज देंगे। किसी भी चीज़ की अगर आपको आवश्यकता है, हम लोग पेमेंट पहले कराते हैं भैया, इसका आपको ध्यान में रखना है। दिए हुए नंबर पे कॉल करा करके अपना ऑर्डर आप बुक करा सकते हैं। सावन का महीना है, आम के पौधे लगवाएं, तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, तो आप नया बच्चा डालें किसी भी मछली का। हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, थोड़ा समय ज़्यादा आ गया, हम बात कर रहे थे रूपचंदा मछली के बारे में। बहुत सारे लोग, जैसे बिहार में ये थाई मांगुर का पालन हो रहा था, थाई मांगुर पे बैन तो किया हुआ है पहले से ही पूरे इंडिया भर में, फिर भी लोग चोरी छिपे पालन कर रहे थे, खास करके बिहार में, यूपी में वहाँ का जो भी सरकार है सख्ती से बैन किए हुए है। बिहार में चल रहा था इसका फार्मिंग, लेकिन बिहार सरकार भी इस पर सख्ती लागू कर रहा है, तो सारे लोग रूपचंदा की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। कारण, थाई मांगुर को चिकन वेस्ट खिला करके बड़े कम समय में, लगभग 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने में 1 kg साइज हुए कर लेते थे। फार्मिंग तो अब बैन कर दिया गया। उन लोगों से हम बताना चाहेंगे, अगर उनको जानकारियाँ नहीं है, हम ये बताना चाहेंगे कि आप भी अगर थाई मांगुर का पालन कर रहे थे, सरकार बैन किया है, तो आप विकल्प अगर खोज रहे हैं तो आप रूपचंदा का पालन करिए। इसका रेट आपको काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। थाई मांगुर आपका 100 रुपये किलो बिक रहा था, रूपचंदा 140-150 रुपये प्रति kg बिकने वाला है। बच्चा मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग पंगास का पालन करते आ रहे हैं पहले से, 5 साल 10 साल पीछे से करते आ रहे हैं, परंतु उनको 10-20 रुपये किलो पर मिल रहा है, उनके लिए भी एक अच्छा विकल्प है कि आप भी जो पंगास का पालन कर रहे हैं वे भी रूपचंदा की तरफ आकर्षित होइए और ज़्यादा लाभ उठाइए, मार्जिन आपको ज़्यादा बचेगा। पंगास किसी किसी साल सीजन पे 90-95 रुपये किलो बिकता है, 105 और 110 से रेट बढ़ता नहीं है, जिस समय सारे लोगों की मछलियाँ तालाब में तैयार हो जाती है और निकलने लगती है। अगर आप रूपचंदा का पालन करते हैं अपने तालाब में, जिस समय पंगास का रेट 110 रुपये होगा, हम वादा करते हैं, आपको गारंटी देते हैं कि रूपचंदा का रेट आप 140 रुपये किलो आराम से बेच सकते हैं। तो पंगास के तरफ से रूपचंदा के तरफ आइए। जो लोग थाई मांगुर का पालन करते हैं वे रूपचंदा का पालन करें,
रह गया कि आप लोग थाई मांगुर का पालन इसलिए करते हैं कि चिकन वेस्ट उसको खिला सकते हैं, रूपचंदा को भी खिला सकते हैं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप एक आध महीने अगर 500 लाइन के बच्चे आप रूपचंदा डालते हैं, शुरुआती दौर में आप कुछ 2-4-10 बोरी उनको कमर्शियल फीड खिला लीजिए, या फिर सरसों की खली डलवाइए ना तालाब में, मक्के का दर्रा डलवाइए, रूपचंदा जब 50 ग्राम साइज का हो जाएगा आप चिकन वेस्ट देना आरंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मंगवाने के लिए एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, दिए हुए नंबर पर कॉल करें। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।